तो फाइनली दोस्तों सनी देओल पाजी की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी गदर 2 को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। बता दें गदर 2 मूवी जिसका फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस मूवी को लेकर काफ़ी दहाई बनी हुई थी, उसे आज सभी सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया, जो कि दोस्तों धमाका कर रही है। आपको बता दें कि इस मूवी को थिएटर्स में देखने के बाद फैंस खुशी से पागल हो गए और दोस्तों थिएटर्स में ही नाचने और झूमने लगे। जी हाँ दोस्तों, मानो पूरा थिएटर स्टेडियम में बदल चुका था। वहीं आपको बता दें कि सनी देओल पाजी के स्क्रीन पर आने के बाद जो थिएटर का नज़ारा था वो दोस्तों देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ऐसा नज़ारा सिर्फ गदर 1 प्रेम कथा के समय ही देखा गया था और दोस्तों अब गदर 2 के समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों पब्लिक किसी फिल्म के लिए इतनी ज़्यादा पागल हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर पब्लिक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की रिव्यू दे रही है। पहले बात करते हैं निगेटिव की। आपको बता दें कि फैंस कह रहे हैं कि ये मूवी आज की जनरेशन के हिसाब की नहीं है। इस मूवी में ना तो VFX और ना ही खतरनाक एक्शन सीन, और ये मूवी बहुत ज़्यादा बेकार है और दोस्तों इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी फैला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पॉजिटिव रिव्यू के बारे में। बताया जा रहा है कि ये मूवी साल की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी और ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और ये इस मूवी में एक्शन, इमोशन सब चीज़ हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ फैंस तो कह रहे हैं कि ये मूवी साल 2001 में गदर 1 प्रेम कथा से भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और इस मूवी में बहुत धमाकेदार हमें एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके की रिव्यू भर आ रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि कोई दर्शक अगर इस मूवी में खतरनाक एक्शन सीन और VFX वगैरह देखने के लिए जाएगा तो ये मूवी उसके लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी पठान और KGF जैसे नहीं है। वैसे दोस्तों इस मूवी को एक बार थिएटर में जरूर देखना चाहिए, तो काफ़ी अच्छी मूवी है। वैसे दोस्तों, क्या आपने मूवी देखी है नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।